ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं WWE से जुड़ी कुछ बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स, जहां पर हम बात करेंगे द रॉक के फ्यूचर में WWE में रसल करने के बारे में। इसके अलावा एजे स्टाइल्स ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया ब्रॉक लेसनर के ऊपर, और स्टेफनी मैकमैन ने आंसर किया कि क्या हमें वुमेंस डिवीजन में टैग टीम टाइटल्स देखने को मिलेंगे। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एजे स्टाइल्स एंड ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो रिसेंटली एजे स्टाइल्स से ब्रॉक लेसनर के बारे में पूछा गया, तो यहां पर एजे स्टाइल्स ने ब्रॉक लेसनर को लेकर ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और उन्होंने यहां पर बातें कुछ ऐसी करी कि जैसे उन्हें ब्रॉक लेसनर से कोई भी लेने देना नहीं है। यहां पर एजे स्टाइल्स ने कहा कि मुझे परवाह नहीं कि कोई क्या कहता है और ब्रॉक लेसनर की बुकिंग कैसी होती है, ये सभी बातें WWE के ऊपर डिपेंड करती है, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और आगे एजे स्टाइल्स अपने बारे में बात करते हैं कि मैं फाइटिंग चैंपियन हूं, मैं अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करूंगा और टाइटल को वो रिस्पेक्ट दूंगा जो कि ये टाइटल डिजर्व करता है, मैं ब्रॉक लेसनर के बारे में यहां पर ज्यादा कुछ भी नहीं कह सकता। तो ये कहना था यहां पर एजे स्टाइल्स का यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर के बारे में। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि जुड़ी है वुमेंस डिवीजन में आने वाले टैग टीम टाइटल्स को लेकर। तो मैंने आपको कहा था कि कुछ पिक्चर्स लीक हुई हैं, कुछ ऐसे डिजाइन हैं जो कि हमें देखने को मिल सकते हैं वुमेंस डिवीजन में। तो यहां पर जब स्टेफनी मैकमैन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने इस बारे में काफी सुना है, फैन बेस हमारा चाहता कि हमें ऐसा देखने को मिले, तो हो सकता है आगे हमें ऐसा कुछ WWE के अंदर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर स्टेफनी मैकमैन ने कुछ डिनाई नहीं किया इन बातों को लेकर, उनकी बातें यहाँ पर पॉजिटिव हमें लगी और कह सकते हैं कि शायद आने वाले टाइम में बहुत जल्दी हमें WWE के अंदर वुमेंस डिवीजन में भी टैग टीम टाइटल देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि जुड़े द रॉक से, और द रॉक के फैंस के लिए फाइनल यहाँ पर काफी खुश करने वाली खबर आई है, और वो ये कि द रॉक को लेकर इस तरह की रिपोर्ट्स आई कि रेसलमेनिया 35 में हमें इस बार द रॉक रेसल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपको याद होगा काफी लंबा टाइम हो चुका है हमने द रॉक को कोई जबरदस्त मैच लड़ते हुए नहीं देखा। हमने देखा था रेसलमेनिया के अंदर जहां उन्होंने एरिक रोवन को हराया था, लेकिन वो कोई मैच नहीं था, जस्ट वो कुछ सेकंड्स का था। लेकिन हो सकता है रेसलमेनिया 35 में हमें इस बार द रॉक का मैच देखने को मिले। और ट्विटर पर एक अकाउंट है जिसका नाम है टिकट ड्रू, जहां से WWE की काफी सारी अपडेट्स आती है। उनका कहना भी यहां पर यह है कि पॉसिबली 2019 के रेसलमेनिया 35 में हमें द रॉक फाइनली रेसल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब अगर वाकई में ऐसा होने वाला है तो इंटरेस्टिंग यहां पर यह देखना होगा कि द रॉक का ओपोनेंट कौन होता है। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो जल्दी से कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट करके आप मुझे बताना कि अगर द रॉक आ रहे हैं रेसलमेनिया 35 में रेसल करने, तो आप उनका मैच किस सुपरस्टार के साथ देखना पसंद करेंगे। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE की अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।